धीरज जी, आज जो ये रिकॉर्डिंग होने वाली है, इस गाने का क्या टाइटल है और किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, कौन इसमें सिंगर है? आज जो रिकॉर्डिंग हो रही है, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम धीरज वर्मा जी और मैं डायरेक्टर हूँ। आज हमारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, टाइटल है तितली तू बन के उड़ चली, और उसके सॉन्ग के रिकॉर्डिंग पे हम आए हैं। हमारे सिंगर हैं देव नेगी साहब जो गाना गा रहे हैं। ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, तितली तू बन के उड़ चली, एक बाप और बेटी की जर्नी हम इस एल्बम के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि ये एक विदाई सॉन्ग है और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है और लिखा बहुत प्यारा लिखा गया है। इसके शब्द इतने प्यारे हैं कि शायद मुझे लगता है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हम लिरिक्स राइटर्स आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या इसके कुछ लिरिक्स हैं, आप कुछ बता पाएंगे और क्या इसमें नया संदेश आप देना चाहते हैं? अभी नहीं, तो रिलीज के बाद ही गाना थोड़ा सा बाहर आएगा तो अच्छा रहेगा। जी कम आउट। हम लिरिक्स राइटर्स आपसे बात करना चाहेंगे कि सर, आपको कैसा अनुभव रहा इस गाने को लेकर के? ये गाना बहुत ही लोगों के दिल को छूने वाला गाना है और बहुत टाइम से विदाई सॉन्ग कोई आया भी नहीं है जी। और भरत जी ने इतना अच्छा इसको लिखा है, इतने अच्छे वर्ड्स दिए हैं गाने को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाने को बनाते हुए और सबने बहुत ही एंजॉय किया। बाकी जब सामने गाना आएगा तो आप लोग भी इसको सुन पाएंगे। सर, ये विदाई सॉन्ग है तो क्या हम इसे एक सैड मोमेंट जोन में समझ सकते हैं? हाँ, जब बेटी घर से विदा हो रही है, बाप से जब विदा हो रही है, तो ये सिचुएशन है गाने की। और विदाई तो हमारे यहाँ का कल्चर है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके ऊपर गाने भी पहले भी आए हैं, बट ये गाना मुझे लगता है कि कुछ अलग छाप छोड़ेगा। तो अगला सवाल हम सूरज जी से करना चाहेंगे जो इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर हैं। सर, किस तरह की प्लानिंग रही, क्या आपने किस तरह से इसको सोचा है, किस तरह से आप इसे पिक्चराइज करेंगे और कहाँ पे इसकी शूटिंग होने वाली है, कृपया इसके बारे में बताएं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस गाने को कर रहे हैं। इसका टाइटल नेम जैसे डायरेक्टर साहब बताए ना, तितली तू बन के उड़ चढ़ी जी, तो ये हमारे जो भरत जी बैठे हैं, हमारे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, इनके इतने शब्द हैं, इन्होंने अपने दिल से निकाले, भाव इनके दिल का। वैसे तो जितने भी विदाई सॉन्ग अभी तक आए हैं ना, हम सबको नतमस्तक हैं, क्योंकि बेटियां तो सब एक जैसी होती हैं। लेकिन पहले एक गाना था बाबुल की दुआएं, एक बार उस बड़ा हिट हुआ था ये गाना, उसके बाद भी काफ़ी सॉन्ग आए हैं, तो सबका हम स्वागत करते हैं और सबका हम इज्जत मान करते हैं। लेकिन जो इस वक्त लिखे हैं ना भरत जी ने, ये शब्दों का जो उच्चारण किया ना, शायद मेरे को लग रहा कि इन्होंने अपनी आत्मा से लिखे हैं वो शब्द, वाणी से नहीं लिखे हैं इन्होंने अपने शब्द, और बहुत ही बेहतरीन शब्दों का उच्चारण किया है। और इसको आज रिकॉर्डिंग है देव नेगी साहब कर रहे हैं, और इसका हम फिल्मांकन 14 और 15 तारीख को मढ़ में करेंगे, और इसमें जो दुल्हन के पापा का रोल है वो राजू खेर जी करेंगे, और दुल्हन की मदर का रोल जो है वो वैष्णवी जी करेंगी, और इसके अंदर मैं भी, हमारे दो तीन जगह बात चल रही है, जैसे हीना जी से बात चल रही है और भी कई लड़कियों से बात चल रही है दुल्हन के रूप में, तो नामचीन एक्टर ही रखेंगे हम उसके अंदर। और इसमें ऐसा फील डालेंगे, हमारे डायरेक्टर साहब पहले भी फिल्म कर चुके हैं काफ़ी, और बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग बनाकर डालेंगे ताकि ये अमर हो जाए। धीरज जी, आपका काफ़ी एक लंबा अनुभव रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जी, तो आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से चुनते हैं, क्या स्क्रिप्ट के बिहाव पे चुनते हैं या आर्टिस्ट एक बड़े कैनवास के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एज ए डायरेक्टर, मैं कंटेंट पहले चुनता हूँ, सब्जेक्ट क्या है। अगर हमारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, प्यारे हैं, तभी हम आर्टिस्ट के ऊपर जाते हैं। हम पहले कंटेंट पे ही, और ये जो सॉन्ग है, हमने लिरिक्स देखने के बाद ही हमने डिसाइड किया कि हम इसको एल्बम के ज़रिए रिलीज़ करेंगे, एल्बम बनाएंगे, क्योंकि शब्द मुझे इतने अच्छे लगे, और एक बेटी के प्रति बाप की क्या मतलब अब इच्छाएं होती है, कैसे बाप बेटी के जाने के बाद कैसे मतलब उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाता है कि बेटी को जिसको हमने पाला, जिसको हमने बड़ा किया, संभाला, आज हमारे मतलब बगिया से चली जाएगी, मैं कैसे रहूँगा। तो ऐसे शब्दों का इन्होंने ऐसा जिक्र किया है हमारे भरत जी ने, तो इस पे मैंने ये डिसीज़न लिया कि हम एल्बम करेंगे। भरत जी, सभी लोग आपके लिरिक्स की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव रहा इस प्रोजेक्ट को लेकर, और इससे पहले भी जो आपके अनुभव रहे, कृपया हमारे साथ शेयर कीजिए। सर,
मन से लिखा हुआ गाना है और बस लोगों को पसंद आना चाहिए. अगर वो पसंद आ जाता है तो आई बिलीव सॉन्ग लिखना सक्सेस हो जाएगा. सर, इससे पहले के जो आपके अनुभव रहे, कृपया उनके बारे में कुछ बताएं. नहीं, मेरा कोई अनुभव नहीं है जी, मैं तो एकदम ही नया हूँ जी. आई बिलीव मुझे तो काफ़ी सपोर्ट मिला जो पहले के अनुभवी लोगों हैं उन लोगों से. तो आई एम वेरी न्यू टू दिस, मुझे तो कुछ ही नहीं पता है. मुझे लिखना आता है, जो काम मुझे आता है मैं करता हूँ. धीरज जी, अभी बॉलीवुड में बायकॉट ट्रेंड काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, तो इस बारे में आपके क्या राय है कि वास्तव में बायकॉट से परेशान होना चाहिए या क्या कुछ नए उपाय किए जाएं ताकि इससे बचा जाए? अब देखिए, तो अपनी अपनी सबकी मान्यताएं हैं, कौन कैसे सोचता है इस मैटर पे. ये सब मत बोलिए, क्या फायदा कुछ बोलिए. लेकिन इस पे मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी टिप्पणी दूं. अब इस वक्त ऐसा है, हमारा ध्यान पूरा अपने गाने पे है, तितली तू बन के उड़ चली. निश्चित रूप से भावपूर्ण सॉन्ग है और देश के अंदर हमारा मेरा टारगेट ये है और लोगों को पसंद भी आ रहा है जहाँ जहाँ हम लोग इस बारे में जिक्र कर रहे हैं. थोड़ा बहुत भी जैसे रुझान हम लोग अपने दे रहे हैं तो निश्चित रूप से सबको पसंद आ रहा है. और उसके ऊपर सोने में सुहागा जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर प्रशांत जी ने जो इसके अंदर संगीत दिया है ना, वो बहुत ही बेहतरीन संगीत दिया. देखिए, एक ऐसा सैड सॉन्ग नहीं कह सकते हम इसको, वहाँ खुशी भी है. दुल्हन के चेहरे पर वो भाव है, रोने का भाव है, घर छोड़ने का है, लेकिन एक जगह दूल्हे को प्राप्त करने का, पति के घर भी जा रही है. यहाँ खुशी भी है और गम भी है. वो इतना बेहतरीन फिल्मांकन हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से सबको पसंद आएगा और ये गाना हिट होगा. सर, इसके बाद भी कुछ प्रोजेक्ट लाइन अप. एक मिनट, देव जी आ गए. देव जी आ गए तो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नेगी सर, एकदम बढ़िया. सर, आज जो सॉन्ग आप रिकॉर्ड करने वाले हैं इसके बारे में कुछ बताएं सर. एक विदाई सॉन्ग है और ये गाना मुझे कल ही भेज दिया गया था सुनने के लिए. तो बहुत ही बढ़िया गाना है और काफ़ी टाइम बाद ऐसा गाना आ रहा है. और गाने को कंपोज़ किया प्रशांत जी ने, बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है और लिखा भी बहुत अच्छा है इस गाने को. और होपफुली कि मैं इस गाने पे न्याय कर पाऊँ अपने वॉइस से और आप लोगों तक जब भी पहुँचे तो आप लोगों को टच करे. सर, आपका एक लंबा करियर रहा है प्लेबैक सिंगिंग में, तो आज के डेट में आप गानों को किस तरह से चुनते हैं? लिरिक्स के बेसिस पे, म्यूजिक के बेसिस पे, या आप एक अपना एक जोनर डिसाइड किए हुए हैं, किस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं? नहीं, गाना अच्छा होना चाहिए, चाहे वो बीट नंबर है, चाहे वो अभी जो विदाई वाला गाना है. गाने में कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए और गाना अच्छा होना चाहिए, उसी बेसिस पे मैं उसे चूज़ करता हूँ. तो इसके अलावा सर, नेक्स्ट आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे? सर, प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं बट रिवील नहीं कर सकता. बट अभी मेरा ग्लाइगर में गाना है, निकम्मा में टाइटल ट्रैक था और काफ़ी सारे अभी और भी. ये कठपुतली में कल ही हमारा गाना रिलीज हुआ है जिसमें हमने फीचर भी किया है. सर, किस तरह के जोन वाले गाने आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या आपको इंटरेस्ट आता है उनमें? या मुझे तो सभी तरह के गाने पसंद हैं और एक्चुअली बट जब से मेरे गाने बीट नंबर में हिट हुए हैं तो मोस्टली लोग उसके लिए बुलाते हैं. बट जिनको पता है मेरी कैपेबिलिटी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ गानों में, तो अलग तरह के गानों के लिए बुला दी. सिर्फ विदाई सॉन्ग. सर, ऐसी कोई ख्वाहिश कि इस तरह का कुछ नया कुछ आप करना चाहें? वैसे तो आप सभी तरह के सॉन्ग कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा बचा हो दिल में ऐसी कसर कि वो इस तरह की चीज़ आपको मिले? कुछ जैसे अभी हम कंपोजरों के लिए गाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब सिंगर चाहता है कि ये जो उसने खुद बनाई होती हैं कि उसके तरीके से वो चीज़ें बाहर आएँ और ना कि वो फिल्म को देख के या किसी कोई भी स्क्रिप्ट को देख के ना हो, उसकी खुद की सोच हो जिसमें. वो कुछ है मेरे, कुछ मतलब अंदरूनी मेरे कुछ हैं प्रोजेक्ट जो होपफुली जल्दी बाहर निकालूंगा. थैंक यू वेरी मच.